सवाल। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता, जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाजर और कदीम तारीखी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग्राफियाई महलवकू, तहजीब, सकाफत, शादाबी और खैराकुन मनासिर के बायस दुनिया भर में सियाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसों हैरत अंगेज और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है, वो बेमिसल भी है और बेबदल भी। बर्फ पोश चोटियां, गीत गाती आबशारे, सरसब्ज वसी मैदान, साफ और शफाफ पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाए सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination. It's a very unique combination which offers. स्वात सबस्तु वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है चमकीला पानी। अगर आप जाएंगे तो आपको बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में बड़ा चमकता हुआ पानी यहाँ मिलेगा। यहाँ का दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी और फिर स्वात की वैलीज जो हैं, इसी वजह से स्वात को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी या स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी आप स्वात को कह सकते हैं। बात ये स्वात जहाँ हुस्न और दिलकशी का हसीन मुरक्का है, वहीं तारीखी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हजारों साल पुरानी सवात की तहजीब और सकाफत के आसार यहाँ जा बजा बिखरे पड़े हैं। कदीम कुतब में सवात का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जिनमें औदियाना नाम काबिल जिक्र और नुमाया है, जिसके मायने गुलिस्तान या बाग की है। ये इलाका मुख्तलिफ अकवाम की तहजीबी, सकाफती, समाजी और मजहबी अकदार का गहवारा रहा है, जिनके कदीम नकूश वादी के कोने कोने में आज भी मौजूद हैं। बुद्धिस्ट वो की वो जो रेलिक्स है वो आपको मिलेंगे पूरे स्वात में, और फिर इसी रास्ते से होके शंगला के रास्ते से आपको मिलेंगे, फिर आपको कराकोरम हाईवे पे थाउजेंड्स की तादाद में रॉक कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन, उसमें तकरीबन 6000 साल का वो आर्ट है, इसमें आपको बुद्धिस्ट आर्ट भी मिलेगा, और ये आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रीजन का देते हैं कि ये इलाका किस किस्म की तारीख से गुजरा है और यहाँ पे कितने महज़ब लोग रहे हैं। जमाना कदीम के सवात में मौजूद इन तमाम तहजीबों, सकाफतों और मजाहिब में बुद्ध मत को अव्वलियत हासिल रही है। बुद्ध मत दौर की मनहदम आबादियाँ, खानकाहें और इबादत गाहें यहाँ खंडरात की शक्ल में बुद्ध मजहब की अजमत और रफ्ता की तिलस्माती कहानियाँ सुना रही हैं, जिनकी तादाद वादी सवात में 400 से ज्यादा है। तारीख की किताबों में 6000 बुद्ध मत मजहब की इबादत गाहों और खानकाहों का जिक्र मिलता है। बुद्धिज़्म ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि अब अगर हम काउंट करें उस ज़माने के यहाँ के टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो आजकल जो आपको मदरसे मिलते हैं या आपको स्कूल और कॉलेजेस मिलते हैं, इससे कहीं ज़्यादा वो हज़ारों की तादाद में एक रिवायत के मुताबिक जो बुद्धिस्ट पिलग्रम्स आए थे चाइना, कोरिया और जापान से, कहते हैं कि इस गंदारा में तकरीबन 8000 मदरसे थे और उसमें कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ भी थी, जिस तरह बुतकड़ा में और सैदू शरीफ में और उडीग्राम में, इस इलाके में बहुत बड़े बड़े स्तूपा। आप पहाड़ों के ऊपर स्वात में देखे तो आपको पुराने जमाने की वो रूइंस सारे नजर आते हैं। स्वात में गंधारा आर्ट बुधा के मुजस्मों और नक्शो निगार की सूरत में फिरोजा नजर आता है। संग तराशी, मुजस्मा साजी और मुख्तलिफ नकोश पर मुश्तमिल कंदाकारी का जो फन यहाँ वजूद में आया, उसे बाकायदा गंधारा आर्ट का नाम दिया गया है।
गंधारा तहजीब में महात्मा बुद्ध की इस मुजस्मे को पत्थर नक्शोनिगारी में आज भी फन का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन नमूना समझा जाता है। स्वात युग के बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का गढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा स्टोन कार्व बुद्धा भी यही है हमारा। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोकल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट को और स्वात के अंदर जो रिलीजियस टूरिस्ट है उसको भी प्रमोट किया जाए। दुनिया में जितनी भी बुद्धिस्ट की रेलिक्स गंधारा ने प्रोड्यूस की वो दुनिया की किसी भी सकाफत ने प्रोड्यूस नहीं की। और महकमा आसार कदीमा ने वादी सवात में पहले आसार कदीमा से बरामद होने वाली नायाब और कीमती अशिया को सवात म्यूजियम में दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए महफूज कर रखा है। ये नवादरात मुल्क अजीज की कदीम जुग्राफियाई, सियासी, तहजीबी, सकाफती और मजहबी अकदार के जिंदा नमूने हैं। दौर में जहूर पजीर होने वाला गंधारा आर्ट यहाँ के फनकारों को विरासत में मिला, जिसे वो आज भी किसी न किसी तरीके से जिंदा रखे हुए हैं। गंधारा आर्ट से जुड़े इन मकामी फनकारों और हुनरमंदों के काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है। ये हाथों का काम है, ये मशीन किसी मशीन का काम नहीं है, इसी वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं। बाहर भी जाता है, यूके भी जाता है, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, सारा बाहर मुल्क जाता है। ये सदियों से ये काम जो है ना, सदियों से ना, 200-300 पुराना का साल पुराना काम है ना, ये कल्चर है, सवाल का सकाफत होता है ना। ट्राउट सवात की एक खास सौगात और हवाला, जिसे लसत और जायके में दुनिया की 5 बेहतरीन मछलियों में शुमार किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मध्यन में ट्राउट फार्म्स के कयाम के लिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, जिससे सवात में ट्राउट मछली की पैदावार 1400 मेट्रिक टन तक पहुँच जाएगी। ट्राउट मछली की अफजाइश सवात की मकामी मईशत को सहारा देने और बढ़ती हुई सयाहत के लिए एक अच्छा इकदाम है। ट्राउट एक ऐसी मछली है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ट्राउट मछली से लुफानंदोज होते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्राउट की कि मतलब प्राइवेट फार्मर जो है वो भी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने और हमारी KPK की हुकूमत ने स्पेशली उन्होंने ये वादी की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके लिए फंड्स भी रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फिश फार्म यहाँ पर बनाएँ। हुकूमत उनके साथ ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम एक हब बनाएंगे, ट्राउट हब। सवात में वाकई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खटियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें 200 से जायद खटियाँ कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनुआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। अभी जो हमारे हमारी चादर है और शल बन रही है ना, उसकी जो है ना गंधारा जिसे हम कहते हैं ना, उसके भी टच हमारी चादरों में शामिल है और ये उस जमाने से आ रही है और कम हो रहा है। सवाती कुर्ते, सवाती प्रागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीजी शाले, ये हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलेम होता है, वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाकई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम
दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उत्तरोड़ और दरियाए उशु का ये पुरकशिश संगम कलाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कलाम इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी अंद्रब लेक, ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है। और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स है, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स, इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज जस्ट अमेजिंग। कलाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7,550 फीट की बुलंदी पर वाके पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूद के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन फॉरेस्ट है। आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, सो इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक, जो उसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। उशु मुटल्तान और आबशार के हसीन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कलाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाकई खालिके कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाकई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9,400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। ये इतनी हसीन झील जिसको आप देख के बस खो जाए कि ये कौन सी जगह है। आसपास आपके पहाड़ हैं और बीच में एक ब्लू कलर की झील बहती हुई जा रही है और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मुझे ऐसा लगा वाकई मैंने ख्वाबों में कभी देखी होंगी ये चीज़ें, अब मैं उसको रियल में देख रही हूँ। महुडन एक झील है, महुडन का मतलब ये पश्तो में नाम है, महो कहते हैं मछली को और डन कहते हैं झील, महोडन मतलब कि मछलियों की झील। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। सवात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए वो तकरीबन 57 झीलें हैं, और उनको माइनर्स को मिलाकर जो छोटी झीलें हैं तकरीबन 200 प्लस हैं। तो इस चैनल के तवसुत से मैं जो इंटरनेशनल हाइकर्स है, हमारे पाकिस्तान के जो हाइकर्स है कौमी सतह पर, और जो लोग हाइकिंग में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर साल यह जो है आकर जो है नई नई झीलें दरियाफ्त करो। दरियाए उत्तरोड़ के साथ साथ कलाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकई ये दिलकश और तिलसिमाती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाल खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेजी के बावजूद अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगों आसमान के नीचे, बादलों के साए में एक प्याले की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक दिलसिमाती मंजर पेश करती है।
झील के इतराफ में फैले हुए हसीन मनासिर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज चरागाहें और सेहत बख्श आबो हवा जिस्म और जान को ताजगी का एहसास दिलाती है। कंडोलो झील इनफरादियत, कशिश और फयाजी से लबरेज है। कंडोल इज लाइक इन पश्तो वी कॉल इट अ बिग बोल। इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो बिग दैट वी ट्रैक्ड अप, इट वाज अ डेज हाइक एंड वी ट्रैक्ड अप एंड इट वाज सो ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग एंड सीइंग। ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारा घर है और इतनी खूबसूरत जगह छुपी हुई हूँ और जो यूरोप का मुकाबला कर रहा हो तो जाहिर है तोहफा वाली बात है। इसको हम डिस्कवर नहीं करेंगे, हम नहीं संवारेंगे तो कौन करेगा। फॉरनर भी काफ़ी सारे, वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा डिवेलप हो इट्स मोर ब्यूटीफुल देन देयर कंट्रीज। मालिक कायनात की लातादाद करिश्मे यहाँ बिखरे पड़े हैं जिन्हें दरियाफ्त करके हम मुल्की और बैन अल-अक़वामी सयाहत को मज़ीद फ़रोग दे सकते हैं। वादी सवात में सयाहत के फ़रोग के लिए नए सयाहती मकामात को भी सामने लाया जा रहा है। अज़रुद्दीन ट्रैकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और हर वक्त सवात के नए सयाहती मकामात की दरियाफ्त में रहते हैं और आज हमें ये वादी सवात के एक ऐसे सियाहती मकाम की सैर करवाएंगे जो हाल ही में मंजरे आम पर आया है। गब्बिन जब्बा सवात की एक ऐसी वादी जो सरसब्ज वसी मैदानों, घने जंगलात और बर्फ पोश चोटियों के दामन में वाके है। यहाँ के खूबसूरत सरसब्ज मैदानों का मंजर किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये रिसेंटली एक्सप्लोर एरिया है। यहाँ पर एक वसी मेडो है, नीचे जो है फॉरेस्ट है और यहाँ पर ये वाला मेडो है, इसके बाद जो है सेकंड और थर्ड मेडोज है। तो ये मेडोज जो है ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एक हाइकर या एक नॉर्मल टूरिस्ट जो है। फिर अगर आप इसके ऊपर चले जाए तो ऊपर द्राल लेक है और द्राल लेक से ऊपर जो है एक पूरा सीरीज जो है लेक्स का शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये स्वात का आने वाले वक्त में एक और वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर टूरिज्म इंशाल्लाह बन जाएगा। गब्बिन जब्बा का ये खूबसूरत इलाका बादलों की अमाज का भी है जहां मौसम आंख मचोली खेलते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद गब्बिन जब्बा के खूबसूरत मनाजिर अपने अंदर समेटने के लिए यहां का रुख कर रही हैं। ट्रैकिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट लेकिन जब हम लोग ऊपर आए और हम लोगों ने व्यू देखा तो इट वॉज सो इनकेंटिंग और बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत अच्छा लगा। यकीन करें कि भूख भी नहीं लगी हमें, रास्ते में थोड़ा सा हुआ है, ऊपर आए हमारी भूख ही ख़त्म हो गई है। इतना हसीन था हमने और ये मंजर देख के ना हमारी भूख ख़त्म हो गई थी। आपकी वसात से मैं पूरी मेहमानों को ये मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे टेंट लाने की या खाने का जो मुनासिब इंतज़ाम है वो यहाँ पे है, तो कोई चीज़ लाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी इंशाल्लाह। वादी सवात कुदरत की सनाई, कारीगरी और मौजिस नुमाई का एक इजहार है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। इस दिलगुदास खत्ते का गोशा गोशा बिलाशुबा रानाइयां समेटे हुए हैं। इसकी बेमिसल खूबसूरती सयाहों के दिलों को खींचती है और उनके दिलों पर नक्श हो जाती है। 12 महीने जो है ना टूरिस्ट के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, तो आकर स्वाद देख ले और ये अपने जहनों में इसकी खूबसूरती को नक़्श करके जो है ना वापस जाए। इंशाल्लाह मैं
मुझे उम्मीद है कि जिसने एक बार स्वाद देख लिया वो वापस जरूर स्वाद आएगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम है कि यू आर मिसिंग समथिंग इन पाकिस्तान। स्वात इज अ टूरिस्ट पैराडाइज, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ, जहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मिले, साफ सुथरे दरिया मिले, वाइल्ड लाइफ मिले और अच्छे वेलकम लोग मिलें, और आप रिलैक्स करना चाहते हैं और आप सुकून से दिन गुजारना चाहते हो, तो स्वात से अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ पाकिस्तान में कोई नहीं है। कुदरत के कमालात और हुनरकारी के जो नमूने स्वात में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस वादी का लैंडस्केप, जोग्राफियाई महले वकू और नरंगियां इसे एक गोना इनफरादियत से हमकिनार करती हैं। ये कहना बेजाना होगा कि स्वात एशिया का स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोप का स्वात है।